स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा की रसोई में तो आज की रेसिपी क्या है आप देखिएगा और अगर पसंद आती तो लाइक करिएगा सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर करिएगा तो चलिए देख लेते हैं आज की भी ये देखिएगा आज देखिए घर इस समय सबसे ज़्यादा महंगा सामान है टमाटर है सब्जी है तो आज हम ऐसी चीज़ बनाने जा रहे हैं जो कि इसमें कुछ नहीं लगना है बहुत थोड़े से पैसों में ही काम बन जाएगा और बहुत अमेजिंग सी रेसिपी है आप देख सकते हैं बहुत टेस्टी और हेल्दी भी बहुत ज़्यादा है प्रोटेस प्रोटीन और न्यूट्रिशस से भरी हुई रेसिपी है और बच्चे भी खूब अच्छे से मजे लेकर खाएंगे तो चलिए बनाना शुरू करते हैं अपनी रेसिपी ये देख सकते हैं गायज हमारी सोयाबीन की बरी बहुत महंगी नहीं आती हैं बहुत सिंपल से तरीके से आती हैं और कोई ज़रूरी नहीं है आप इसमें टमाटर का ही यूज़ करें बहुत आज हम जिस तरीके से बनाने जा रहे हैं बताएंगे आपको उस तरीके से आप बना कर देखिए बहुत टेस्टी बहुत यमी लगेगा खाने में सोयाबीन की बरी तो आप देख सकते हैं गायज़ कि हमने सोयाबीन की बरी को नॉर्मल रूम टेम्परेचर के पानी में पंद्रह मिनट के लिए सूख कर कर रख दिया था थोड़ा सा नमक डाला था और पानी में और सो करके रख दिया था जिससे कि हमारी जो सोयाबीन की बरिया हैं ना बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं उनको हमने निचोड़ लिया है ये देख सकते हैं ठीक है नमक के पानी में ही सो करके डालेगा जिससे कि जो अगर कीड़े मकोड़े कुछ होंगे इसके अंदर वो भी निकल जाएंगे बहुत अच्छा रहे बहुत अच्छी ट्रिक है और आप नेक्स्ट ट्रिक देख लीजिए आलू हमने कट करके रख लिए हैं दो और दो प्याज ले लिए हैं प्याज को हमने बारीक पीस लिया है ठीक है हम पीस कर प्याज यूज करेंगे आप चाहें तो आप काट करके भी प्याज को ऐड कर सकते हैं तो ये देखिए हमने बढ़िया सा पीस लिया है मिक्सी के जार में अब देखिए इसमें लेडल दो लेडल भर करके इसमें यूज होगा तो बहुत कम तेल लगता है इसमें एक लेडल भर के हमने देखिए डाल दिया है ठीक है अब इसमें जो सोयाबीन की जो बरिया थी वो हम डाल देंगे इससे क्या होगा ना इसमें जो एक अरोमा आ जाती है एक खुशबू आ जाएगी ना भूनने से बहुत टेस्टी लगेगा बच्चे तो ऐसे ही खा जाएंगे भुनी हुई आपकी जो बरिया हैं वो ऐसे ही बच्चे खा जाएंगे इतनी टेस्टी और इतनी यमी लगती है तो इस तरह से चलाते हुए इनको हम फ्राई कर लेंगे अच्छे से गोल्डन करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है पाँच से दस मिनट लगता है ये देख सकते हैं हमारी फ्राई होने लगी हैं अच्छे से तो फ्राई हो जाएंगे तो इनको हम बाहर निकाल लेंगे तो देखिए फ्लेम को धीमा कर दिया है और फ्राई हो चुकी है हमारी सोयाबीन की भरी तो इनको हम निकाल कर रख लेंगे देखिए बच्चों को ये हेल्दी भी लगती है इनमें प्रोटीन भी होता है देखिए नेक्स्ट जो दूसरा लेडल है वो डाल दिया है ऑयल का देखिए सारी सब्जियाँ हम मस्टर्ड ऑयल में बनाते हैं हाँ क्योंकि हमारे मार्केट से नहीं आता है घर का ही सरसों है उसी वजह से तो कुछ ये देखिए ड्राई ले लिए हैं मसाले लौंग थी काली मिर्च था तेज पत्ता था एक बड़ी इलायची थी दालचीनी के टुकड़े थे तो जो इलायची में डाली है उसको हमने तोड़कर डाला है खोलकर और ये देखिए इसमें जीरा डाल दिया है इन सभी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे उसके बाद भूनने के बाद इसमें हम प्याज जो पीस कर रखा था वो भी डाल देंगे एक बात और गाइस अगर आप लहसुन खाते हो तो आप लहसुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो देखिए मसाले को हमें अच्छे से भूनना है आप अभी देख सकते हैं अभी आपको दिख रहा होगा ऑयल नहीं है तो हमने बहुत ज़्यादा ऑयल का नहीं इस्तेमाल किया क्योंकि इसमें समय गर्मियाँ हैं ऑयल है मसाले बहुत कम खाने चाहिए तो देखिए बेसिक से मसाले डालेंगे हल्दी पाउडर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर क्योंकि हम टमाटर नहीं ऐड कर रहे हैं तो कलर आ जाए इस वजह से कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है हाफ स्पून एक स्पून हल्दी पाउडर चिली फ्लेक्स या फिर आप मिर्च ले लीजिए तो हमने मिर्च ली है घर की मिर्च पिसी हुई है तो थोड़ा सा बारीक नहीं है मोटी सी दरदरी सी है तो थोड़ा सा पानी डालकर हम भून लेंगे देखिए पानी डालना इसलिए जरूरी है ना कि हमारे मसाले जले नहीं अब डाल दिया है हमने धनिया पाउडर एक स्पून ठीक है इन सभी चीज़ों को अब हम धीमी धीमी फ्लेम पर भूनेंगे तो देखिए सारी चीजें भून चुकी हैं तब इसमें हम आलू डाल देंगे और अपनी सोयाबीन की बरिया डाल देंगे इनको भी साथ में भूना आलू को आलू को मसाले के साथ इतना अच्छे से फ्राई करना है ना अगर आपका नमक डाल देंगे इसमें थोड़ा सा आप अगर आपका ड्राई ज्यादा मसाला होगा तो थोड़ा सा पानी डाल देंगे क्योंकि अगर टमाटर वगैरह होता है ना तो इतना ज्यादा ड्राई नहीं होता है तो इसमें हम थोड़ा सा टमाटर पानी डाल देंगे जिससे क्या होगा हमारे आलू और मसाले जलेंगे नहीं और अच्छे से धीमी फ्लेम पर इसको कम से कम पाँच मिनट फ्राई करना है आप कस्तूरी मेथी लेंगे ये भी हम ऐड कर देंगे आप देख सकते हैं भूनते समय ही और अभी हम दिखाएंगे आपको टेक्सचर की आलू भून जाए वो क्या कैडिरी होती है जिससे आप जान सकें तो ये देखिए अच्छे से आलू को क्या है ये देखिए पानी में डाला बताना भूल गए थे ये देखिए आलू का साइज़ आलू का देख सकते हैं चेंज तो हल्का सा हल्का ऐसा ट्रांसपेरेंट आलू दिखने लगा था नीचे नीचे इतना हमें फ्राई करना है आलू को और आप अपने हिसाब से आप डाल दीजिए पानी जितना भी पानी आप ऐड करना चाहते हैं जितनी ग्रेवी आपको चाहिए उस हिसाब से अब हम एक सीटी बुला लेंगे इसमें ठीक है बहुत ज्यादा नहीं देखिये थोड़ा थोड़ा सा हमारा आ, वीडियो थोड़ी जल्दी करना है हैं जिससे कि आपको बहुत लंबा नहीं दिखाना है हमको वीडियो इसलिए अः सेम प्रोसेस देखिए हमें, हमें। जैसी सब्जी चाहिए थी वैसी हमें मिल गई है जितनी ग्रेवी चाहिए थी अगर आपको राइस के साथ खाना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा ग्रेवी बढ़ा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है अब जो गए जिसमें हमने जो खड़े मसाले यूज किए हैं उनका फ्लेवर इतना अच्छा इतना अमेजिंग आएगा कि सच में आप खुद पूछेंगे कहेंगे कि सच में बहुत अच्छा टेस्ट है तो इसमें हमने डाल दिया है गरम मसाला थोड़ा सा ही डाला है क्योंकि घर गर का गरम मसाला है तेज है इसलिए और अब इसमें हम डाल देंगे क्या अपना अमचूर पाउडर ठीक है अमचूर पाउडर डालना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमने इसमें टमाटर नहीं ऐड किया है तो हल्का सा खट्टापन रहे इसलिए अमचूर पाउडर डाल दीजिए चाट मसाला डाल दीजिए कुछ भी डाल दीजिए तो हमने देखिए यम ही टेस्टी सब्जी बनकर तैयार है हमारी कलर देख सकते हैं और टेक्सचर देख सकते हैं अगर हमारी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ गाइस लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा कमेंट करके जरूर बताइएगा देखिए पास से हम दिखा रहे हैं आपको हमारी सब्जी कितनी अमेजिंग लग रही है ये देख सकते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा मिलते हैं